अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक। ते अज असी बनाया सालन मटन ते गोभी। ते मैं कहा चलो तुहानू भी शामिल कर लईए, तुसीं वेखो असी गोभी किंज बनाने हैं मटन दे नाल। ते गोभी नू मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो दस्या कि चंगी तरह जिहड़ा ना उबालना बड़ा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इहदे स्प्रे वगैरह की जाती है और जो कि बड़ी जो है ना वो सेहत के लिए हानिकारक होती है, ठीक है ना। तो आप इसको जो है ना अच्छी तरह जो है ना वो उबाल लिया करें, ठीक है। तो ये पहले हम आए जी रिक्शे वाला, हमारा आ गया था सब्जी वाला। तो सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि हमें सब्जी पसंद नहीं आती, और कि सियाने ना वो टोटे पेटा के वाड़े से पेट पसंद नहीं आती, वो साफ हो जाता। सब्जी सारी थी इसके पास, सारी थी तो, लेकिन बस फिर एंड पे हमारे ने यही डिसाइड किया कि चलो जी फिर आज गोभी। तो गोभी ले आया, इसको काटा शाटा, तो देखा तो जी वही बात, उसको धोना बहुत ज़रूरी था गर्म पानी से। और मटन के अंदर ये मैंने प्याज और लहसुन डाल दी है और इसमें पानी डाल लिया है, और अब इसमें नमक और सुरख मिर्च और वही वो जो तीन तीन पैन भरा मसाले ने, नमक मिर्च हल्दी। तो ये तो जाहिर मतलब कि हमारे पंजाबी खानों में तो ऑलमोस्ट, और इंडियन खानों में तो मस्ट ये तीन मसाले तो जाते ही जाते हैं, और कुछ होए ना होए इनका जो है ना साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर हमने ये बना लिया। अब ये देखिए इसमें हम थोड़े से ना गरम मसाले डालेंगे। तो गरम मसालों में जो है ना वो हमने डाले लौंग तीन, और एक मैंने बादियान का फूल डाल दिया है, और बस ये क्या सोटी सूटी तो दालचीनी जो है, ठीक है। तो ये डाल के अब ये देखें सीटियाँ, तो फिर ये सीटियाँ लग रही हैं इसको, तो ठिचक ठिचक ये हो रही है। तो ये हमारा जो गोश्त है वो गल गया। हमने तकरीबन मैंने इसको लगवाए थे 10 मिनट, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने में गोश्त गल जाता है तो आप वो करवा कर लें, ठीक है ना। तो इसको जी क्या किया, फिर हमने ये अपनी कढ़ाई जो है ना ली है, तो उसमें हमने इसको डेल लिया है। तो अब इसकी जो सूप थोड़ा सा बच गया था वो मैंने अलग एक ना निकाल लिया बाउल में। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है ना ये जो मोटे मोटे है ना ये निकाल दिए मैंने, जो बादयान का फूल था ये और स्टिक थी इसमें दालचीनी की ना, वो मैंने सारे मैं कहना ना तो कड्डो बिच में ना काम खत्म, इन्हों का रोल इतों तक ही। तो हूँ अगू किरदार शुरू हो गए टमाटर से अदरक का, तो टमाटर से अदरक वेखो सी हूँ जरा ना कट वढ़ के सुटिया। तो हूँ जड़ा ना इन असी की करना, हूँ असी ये ऑयल पा के तेन फिर भुनना एक दफा, ठीक है ना। ते इन्हों भुन के तो अच्छी तरह जी इन्हें महक जी गोश्त की होंगी वो खत्म जी अच्छी तरह हो जाए, ठीक है ना। तो आ वेखो असी इन्हों जरा ना अपनी चार पाँच बूटियां भड़काने पे चंगी तरह। तो उदू बाद जरा ना तुम योगर्ट ऐड करना चाह रहे हो कर लो, ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, पर मैं नहीं कर रही कुछ जरा ना, जब गुजरन की भी तबीयत जी कर दी कुछ चटपटा खाने दे, मैं चलो थोड़े जो ना मसाले वाला खाना दे, परेजी खाना भी जरा ना बोर ही कर देता, सही गल है। ते अच्छा ये थोड़ा जहा सुा धनिया, तो उस बाद अं बनया जीरा, ठीक है, ऐड कर लिया। तो इनू बस तुम भुनना है, उस बाद सॉस जरा अच्छा है हड़े को बड़ी मेरे को मक तो मैं वो कड़ के ना यार दालचीनी ए वाली सोटी बर्तन को लगा मैं ये सूप से सुट छड़ी, वो फिर मैं दोबारा डिस्कार्ड करनी पी, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा सूप तुम्हें लगाई जाना है, तो यह वेखो कि मजेदार जी ग्रेवी ए बन दे, ठीक है। इनू बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं बनाना, इन्नी ग्रेवी रख के तो वेखो अस गोभी जी सुट दी अपनी, तो कि सफेद सोहनी सोहनी गोभी रल के, तो वेखो जरा कैसी किमिकी जान हो गए हैं। तो इनू अपने बाउल चुन जरा 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 प्रीजेंट कर लो, तो मनोरंजन चेक करो इन्हों का, उफ अल्लाह कोई इन्ना सीन भी हो सकता है। तो यह सीन जहाँ हटा सालन तैयार हो गया, तो उत्ते हुई गल फिर हरियाली, तो इनू हरा भरा सजा लो अच्छी तरह, धनिया कट वट वट के पा लवो, तो यह बन गई आड़ी रेसिपी। अच्छा मैनू तो सिर्फ 4 मिनट में मैं दस दिता, पर तकरीबन जरा ना 20 तो 25 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है ना। वो भी तुम्हें स्पीड टू स्पीड करना, तो मैं दस्यो फिर कमेंट बॉक्स में रेसिपी कैसी लगी, तो जरूर दस्यो जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।